हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल चौधरी एंड टुडे माय टॉपिक इज फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट नाम से ही पता लगता है कि फॉरेन में कोई टैक्स पे करा उसका क्रेडिट आपको आपकी रेजिडेंट कंट्री में मिलेगा। फॉरेन में अगर आपने कोई टैक्स पे करा है उसका क्रेडिट आपको आपकी रेजिडेंट कंट्री में मिलेगा। इट मीन्स फॉरेन टैक्स क्रेडिट हम बोलते हैं FTC इज अ टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री ऑन इनकम डिराइव्ड इन अ फॉरेन कंट्री। सच अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपने पे करा है बाहर, जो आपका डिडक्ट हुआ है, जिसको आप TDS भी बोल सकते हैं, फॉरेन कंट्री में आपने कुछ कमाया है उस पर वहाँ टैक्स पे करा है, अगर वो इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल है और इंडिया में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका क्रेडिट ले सकते हैं। दैट टैक्स पेड इन फॉरन कंट्री कैन बी क्लेम्ड एज क्रेडिट अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने इनकम अर्न करी और वो इनकम रिसीव करी $5,000 फ्रॉम कैनेडियन कंपनी। बाहर कैनेडा में कुछ काम करा आपने और वहाँ से पैसा रिसीव करा आपने $5,000, उसके ऊपर जो वहाँ टैक्स पे करा होगा आपने, उसका क्रेडिट इंडिया में अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बेसिकली इट कैन ऑल्सो भी हम बोल सकते हैं इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द फॉरेन कंट्री ऑन द सोर्स इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री। इट इज़ बेसिकली अ सोर्स इनकम, जहाँ से आपको पैसा मिला उसको हम बोल रहे हैं सोर्स इनकम। सोर्स इनकम पे जो आपने वहाँ पैसा आपका TDS या टैक्स डिडक्ट हुआ फॉरेन कंट्री में, उसका क्रेडिट हम क्लेम कर रहे हैं अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी against the tax liability in a country, in the country of resident। basically आपको पता लग गया FTC basically credit है जो foreign में tax pay करा है उसका credit हम claim कर रहे हैं as against the tax liability in the country of resident। इसके ऊपर basically जो section applicable है वो है 90, 90A and 91। ये Income Tax Act 1961 के section है, section 90, 90A and 91। हम ये क्रेडिट कब क्लेम कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन आता है। आप ये क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, क्रेडिट वेयर टैक्स पेड इन कैनेडा विल बी अलाउड एज क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया मतलब जहाँ के आप रेजिडेंट हो, मतलब सोर्स, सोर्स जहाँ से आपका सोर्स जनरेट हुआ, इनकम का सोर्स जनरेट हुआ, वहाँ जो टैक्स पे करा उसका क्रेडिट आप अपने इंडिया में ले सकते हो। क्रेडिट इज अवेलेबल इन द ईयर इन विच इनकम कॉरस्पॉन्डिंग टू सच टैक्स हैज बिन ऑफर टू टैक्स इन इंडिया। क्रेडिट FTC का आपको मिल जाएगा उस साल में जिस साल वो कॉरस्पॉन्डिंग इनकम आप ऑफर करोगे इनकम टैक्स अथॉरिटी को इंडिया में टैक्स के लिए। क्रेडिट आपको उस साल मिलेगा, कॉरस्पॉन्डिंग इनकम अगर आप ऑफर करोगे उसी साल इंडिया में तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आपकी कोई फॉरेन की इनकम, फॉर एग्जांपल इनकम कॉरस्पॉन्डिंग टू सच टैक्स इज ऑफर्ड टू टैक्स इन इंडिया, अगर आप मल्टीपल इयर्स में दे रहे हो तो प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट आप ले सकते हो। मैंने आपको कहा क्रेडिट इज अवेलेबल इन द ईयर इन विच इनकम कॉरस्पॉन्डिंग टू सच टैक्स हैज बीन ऑफर्ड टू टैक्स इन इंडिया। मान लेते हैं 1920 में आपने बाहर फॉरेन इनकम अर्न करी और उस पर टैक्स पे करा और 1920 में ही इंडिया में भी आपने रिटर्न फाइल करी, और इंडिया में जब आपने रिटर्न फाइल करी तो उसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल हुआ उसी साल आप फॉरेन पे जो टैक्स पे करा उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। बट मैं बात कर रहा हूँ अब, अगर आपका क्रेडिट मतलब मल्टीपल ईयर्स अगर हम बात करते हैं कि टैक्स इज ऑफर टू, मतलब इनकम कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकम आपकी ड्राइव हुई है वो कुछ मल्टीपल ईयर्स में आ रही है तो क्रेडिट भी आप प्रोपोर्शनेटली लोगे मल्टीपल ईयर्स में। 5 साल में आ रही है तो 5 सालों को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लो, उसका क्रेडिट इंडिया में ले सकते हो। कितना क्रेडिट आपको मिलेगा, जितना आपने टैक्स पे करा होगा फॉरेन कंट्री में जहाँ से आपका सोर्स जनरेट हो रहा है, इनकम का सोर्स फॉरेन से आ रहा है, उस पे जो फॉरेन में आपने टैक्स पे किया वो टैक्स, और टैक्स पेबल अंडर रेजिडेंट कंट्री एज पर इंडियन इनकम टैक्स। अगर इंडिया है तो रेजिडेंट कंट्री इज इंडिया, इंडिया में जो टैक्स बनता है आपका
दोनों में से जो लोअर होगा विच एवर इज लेस वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा. कितना क्रेडिट मिलेगा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर जो टैक्स पे कराया आपने और जो इंडिया में टैक्स बनता है आपका, दोनों में से जो विच एवर इज लोअर होगा वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा. ओके अब देखिए आप ये देखिए, ऐसा इसलिए करा गया जस्ट टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन. क्रेडिट बेसिकली क्रेडिट इसलिए गवर्नमेंट दे रही है आपको, इसलिए इसके प्रोविजन ऐड करे गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जस्ट टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन. बिकॉज आपकी इनकम पे ऑलरेडी वहाँ टैक्स लग गया और उस इनकम को अगर यहाँ हम ड्यू कर रहे हैं, एक्रू कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं उस इनकम को, और यहाँ पे हम अपनी रिटर्न के अंदर उसे हम शो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा हम यहाँ भी पे करेंगे और वहाँ वाली इनकम का क्रेडिट आपको मिल जाएगा ताकि डबल टैक्सेशन ना हो. अगर DTAA है इंडिया और कनाडा, मैं यहाँ पे बात एग्जांपल मेरा इंडिया और कनाडा का है, किसी भी कंट्री के साथ आप ले सकते हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया USA, इंडिया की किसी भी कंट्री के साथ आप एग्जांपल को चेक कर सकते हो, बट प्रोविजन आर सेम एप्लीकेबल. ठीक है, इफ DTAA स्टैंड्स फॉर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. ये कंट्रियों के बीच में ट्रीटी एग्रीमेंट्स होते हैं कि हमने वहाँ टैक्स ले लिया तो आप वहाँ यहाँ मत लेना. अगर कनाडा में आपने टैक्स पे कर दिया तो इंडिया और कनाडा के बीच में अगर ट्रीटी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोविजंस को का बेनिफिट देंगे. हम तीन सिचुएशन को लेकर चलते हैं. सपोज अगर आपने टैक्स कनाडा में पे कर दिया, इंडिया में नहीं पे कर रहे, तो FTC अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपने एक ही जगह टैक्स पे करा है. FTC नहीं अप्लाई होगा अगर आपने कनाडा में टैक्स पे कर दिया और इंडिया में आपका टैक्स नहीं बनता. तो अगर आपने इंडिया में टैक्स पे करा है और कनाडा में टैक्स ही नहीं पे करा तो भी फॉरेन टैक्स क्रेडिट अप्लाई नहीं हो, FTC के कंसेप्ट अप्लाई नहीं होंगे. अगर आपने पे करा टैक्स कनाडा में और एंड टैक्स पे करा इंडिया में, दोनों जगह टैक्स पे करा आपने, तब अप्लाई होगा FTC का कंसेप्ट. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये समझनी है कि अप्लाई कब हो रहे हैं ये प्रोविजंस. ये प्रोविज़न तब अप्लाई हो रहे हैं जब आप दोनों जगह टैक्स पे कर रहे हो. जहाँ के आप रेजिडेंट हो वहाँ पे आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हो बेसिकली इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली. ओके ये क्लियर है. नेक्स्ट आता है अपना, ये पता लग गया आपको विच एवर इज लोअर. इसको मैं थोड़ा और एलेबोरेट करता हूँ कि FTC फॉरन टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा. मैंने अभी आपको इन शॉर्ट बता दिया जो वहाँ टैक्स पे करा और जो इंडिया में बनेगा आपका टैक्स, विच एवर इज लोअर. ठीक है देखिए, ये एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ बात. देखिए जी, सपोज कर लेते हैं मिस्टर एक्स ने अर्न करे $5,000 कनाडा में 13 दिसंबर 2020 को. उनके उसके ऊपर उस इनकम पे कनाडा में उन्होंने TDS कट गया उनका $500, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. $5,000 पे मान लेते हैं 10% $500 TDS कट गया, तो मिस्टर एक्स को वहां पे रिसीव हुआ $4,500. उस टाइम का कन्वर्जन रेट आपको दिया हुआ है बाइंग रेट, बिकॉज हम डॉलर को कन्वर्ट भी करना होगा हमें इंडियन करेंसी में, तो हमें पता होने चाहिए कन्वर्जन रेट हमें कौन से अडॉप्ट करने हैं. एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग फॉरन करेंसी इंटू इंडियन रुपी, फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग फॉरन करेंसी इंटू इंडियन रुपीज, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ इन विच द टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड शैल बी अडॉप्टेड. यहाँ स्टार लगा के मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ FTC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, हम कंसिडर करते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट हम यूज करते हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ इन विच टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड शैल बी अडॉप्टेड. मतलब इट मीन्स कि मतलब जिस तारीख को आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उसके प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट को जो रेट होगा वो यूज करोगे आप. एंड रेट कौन सी यूज करोगे, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट. ये SBI के रेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट ही यूज करे जाते हैं, अडॉप्ट करे जाते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रेट होंगे वही अडॉप्ट करने हैं आपने फॉर बाइंग सच करेंसी. ओके अब यहाँ 13 दिसंबर 2020 को
रेट जो रेट था वो नहीं लेना हमने, इससे पहले क्या आता है, नवंबर आता है ना, दिसंबर से पहले नवंबर आता है, नवंबर की लास्ट डेट का जो रेट था 40, 30/11/2020 $1 का रेट था 40। मैंने सपोज किया हुआ है, रेट डिफर हो सकते हैं एक्चुअल। तो टू क्लेम एफटीसी, असेसी को एक सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन स्टेटमेंट। असेसी को अगर एफटीसी क्लेम लेना है तो उसे ऑनलाइन एक 67 नंबर फॉर्म भरना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले, 139 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट की ड्यू डेट से पहले एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और फॉर्म नंबर 67 अपलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन फर्निश करना पड़ेगा ऑनलाइन। अब जब सबमिट करोगे 67 नंबर फॉर्म, उसमें आपके सबमिट साथ हो जाएंगे प्रूफ कि आपके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, मतलब आपका टैक्स सर्टिफिकेट चला जाएगा, नेचर ऑफ इनकम आपकी क्या है, कितना टैक्स कटा है आपका, ठीक है ना, वो चीज़ें आपकी इसमें चली। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है एफटीसी के लिए, उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप ये फॉर्म भरोगे, इसमें एक स्टेटमेंट जाएगी आपकी कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम की, और एक सर्टिफिकेट जाएगा कि आपकी नेचर ऑफ इनकम ये है, इस तरह से आपका टैक्स कटा, वो सारी डिटेल आपकी 67 नंबर फॉर्म एंड सर्टिफिकेट में फर्निश हो जाएगी। अब पॉइंट आता है कि मैंने जो $5,000 अर्न करे थे 13 दिसंबर 2020 को, उसमें टीडीएस कटा $500, मैं इंडिया में लेकर आया $4,500। अब मैं जो इनकम इंडिया में ग्रॉस दिखाऊंगा वो $5,000 ही दिखाऊंगा। देखिए मैं आपको इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे करना है, कैसे आप क्रेडिट क्लेम करोगे। सपोज कर लेते हैं इसी उसी एग्जाम्पल को हम कैरी कर रहे हैं, मिस्टर एक्स की इनकम इंडिया में 10 लाख बनती है, मान लेते हैं फॉरेन की इनकम भी है, कुछ इंडिया की इनकम भी बनती है, या जो भी इनकम उनकी बनती है 10 लाख हमने सपोज कर लिया। 10 लाख के ऊपर इंडिया में टैक्स मान लेते हैं सपोज कि हमने 10% लेके चले, आप स्लैब के अकॉर्डिंग कंप्यूट कर लेना, ठीक है। 10 लाख में हमने 1 लाख रुपए टैक्स निकाल लिया, ये सपोज करा है टैक्स मैंने, आप इंडिविजुअल की स्लैब्स के अकॉर्डिंग निकाल लेना, जैसे भी आप मतलब अकॉर्डिंग टू द एज आप कंप्यूट करते हो। मैंने सपोज करा 10 लाख की इनकम पे 1 लाख रुपये टैक्स बनता है। अब हमारा पॉइंट है कि इंडिया में टैक्स 1 लाख रुपये पे करना बनता है आपका। अब आपको फॉरेन में क्रेडिट कितना पे किया था आपने टैक्स, $500। $500 को कन्वर्ट करेंगे हम उस डेट के साथ जब आपने ट्रांजेक्शन करी उससे पिछले महीने की लास्ट तारीख को, जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट था SBI का वो $40 था $1 का, तो 400 × 40 करा, 20,000 रुपये आ गया। 20,000 और 1 लाख जो आपका इंडिया में टैक्स पेबल बनता है, विच एवर इज लोअर, दैट इज 20,000। 1 लाख में से 20,000 माइनस करके 80,000 आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को, 80,000 आप टैक्स पे करोगे, 20,000 का आपको FTC का क्रेडिट मिल गया। अब पॉइंट आता है कि FTC जो हम क्लेम कर रहे हैं, एक अगर हम टैक्स पे करते हैं MAT या AMT के अंदर तो भी आप क्रेडिट ले सकते हो। FTC शेल बी अलाउड अगेंस्ट टैक्स पेबल अंडर MAT AMT इन द सेम मैनर एज इट इज अलाउड अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मेरा कहने का मतलब बेसिकली ये है, हम MAT लगाते हैं कंपनीज के ऊपर, हम AMT लगाते हैं अदर देन कंपनीज के ऊपर। जब आप MAT और AMT के प्रोविजन लगाओगे तो उसमें जो टैक्स आएगा उसके बाद आप क्रेडिट माइनस करोगे, FTC के क्रेडिट के प्रोविजन सेम है, एंड इट शेल बी अलाउड अगेंस्ट टैक्स पेबल अंडर MAT एंड AMT इन द सेम मैनर एज इट इज अलाउड अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जैसे हमने नॉर्मल कैलकुलेशन करी हैं ऐसे ही MAT और AMT कैलकुलेशन करके भी आप क्रेडिट ले सकते हो। बेसिकली कन्वर्जन रेट मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट लास्ट तारीख का प्रीवियस मंथ का लेंगे हम। फिर मैंने आपको बता दिया FTC के लिए फॉर्म नंबर, एक स्टेटमेंट जाती है 67 में और एक सर्टिफिकेट जाता है जिसमें नेचर ऑफ इनकम एंड द मैनर ऑफ डिडक्शन और ये सारा आप डिस्क्लोज करोगे। FTC इतना ही है, इससे ज़्यादा FTC नहीं है। बेसिकली आपको पर्पस था मेरा कि इन शॉर्ट आपको FTC के बारे में बताना कि FTC कब लिया जाएगा, कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं, मैंने आपको बता दिया 90, 90A, 91 लगते हैं। क्रेडिट अवेलेबल कब होगा आपको, सेम ईयर आप जिस साल ऑफर करोगे, अगर मल्टीपल ईयर में तो प्रोपोर्शनेटली मैंने बता दिया। किस लाइबिलिटी के अगेंस्ट क्रेडिट एडजस्ट होगा आपका, ये क्रेडिट जो एडजस्ट होगा टैक्स के अगेंस्ट होगा, इंटरेस्ट
फीस इन चीजों के अगेंस्ट, पेनल्टी के अगेंस्ट, इंटरेस्ट फीस पेनल्टी के अगेंस्ट क्रेडिट एडजस्ट नहीं होता, टैक्स के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। ये कैसे कंप्यूट करने है, करते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दो ही डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली, एक कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम जो बाहर आपने कमाई है उसकी कॉम्प्यूटेशन, दैट यू हैव टू फिल इन 67 नंबर फॉर्म, और एक सर्टिफिकेट जिसमें आप नेचर ऑफ इनकम और अपना मैनर ऑफ टैक्स डिडक्टेड वो उसकी डिटेल दोगे बेसिकली। ठीक है, आपको आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।